नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, खबर जो है TET भर्ती 2013 को लेकर के है। पहली बार 606 पदों पर प्रतीक्षा सूची से होगी भर्ती। दोस्तों, TGT भर्ती 2013 के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि तो सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक यानी कि TGT 2013 भर्ती के तहत विभिन्न विषयों के 606 पद खाली थे, और पहली बार हाई कोर्ट के आदेश पर यह प्रतीक्षा सूची से भर्ती की जाएगी। इस पर हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया है। शिक्षा विभाग ने गुरुवार को इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उप शिक्षा निदेशक रामचेत ने विभिन्न विषयों का कट ऑफ जारी किया है। 18 से 22 फरवरी तक कार्यालय शिक्षा निदेशक माध्यमिक प्रयागराज में सुबह 10 से 2 बजे तक काउंसलिंग होगी। दोस्तों, काउंसलिंग की डेट भी आपको बता देते हैं, उससे पहले आप जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 29 दिसंबर 2013 को प्रशिक्षित स्नातक के 6028 पदों पर भर्ती शुरू की थी। 2017 के परिणाम घोषित किया था और विभिन्न विषयों में चयनित कई भर्तियों ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया था। इस पर कई अभ्यर्थियों ने प्रतीक्षा सूची के रिक्त पदों को भरने को लेकर के हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने 28 दिसंबर 2019 और 22 जनवरी 2020 को खाली पदों पर प्रतीक्षा सूची से भर्ती करने का आदेश दिया, माध्यमिक शिक्षा को दिया था। इससे संबंधित अपना जो है, अब देख लीजिए, काउंसलिंग की जो तारीख है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जो TGT भर्ती 2013 में जो लोग थे उनके लिए 18 फरवरी को हिंदी, कला, वाणिज्य और शारीरिक शिक्षा, 19 फरवरी को विज्ञान और 20 फरवरी को उर्दू, अंग्रेजी और जीव विज्ञान, 21 फरवरी को गणित और 22 फरवरी को गृह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत। और दोस्तों, इससे संबंधित अभ्यर्थी अगर अपनी गुणांक देखना चाहते हैं या आरक्षण व रिक्त पदों का विवरण देखना चाहते हैं, वो www.madhyamikshiksha.upsdc.gov.in पर देख सकते हैं। उप शिक्षा निदेशक रामचेत ने साफ किया है कि निर्धारित तिथि को उपस्थित न होने वाले अभ्यर्थियों को दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा और इस संबंध में कोई भी प्रत्यावेदन नहीं लिया जाएगा। तो दोस्तों, जो लोग पार्टिसिपेट किए हैं TGT भर्ती 2013 में, उनके लिए जो है ये तिथियां बहुत ही खास हैं और आप वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, जहां मैं बहुत सारी खबरें शेयर करता रहता हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों का लिंक दिया हुआ है। जाकर के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए।